तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो बहुत ही अहम है। क्यों? क्योंकि मेरे अकाउंट के साथ अटैक हुआ था, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे किसी ने अटैक किया था, हैकर ने, वो पूरा डाटा जो है वो ले गया। उसमें बहुत ही मुश्किल से रिकवर किया मैंने। तो आप भी ऐसे इश्यूज से बचना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो आपके लिए दो मेन स्टेप्स हैं, मैं आपको आज शेयर करूँगा। इसके बाद आपकी आईडी जो है वो 90% सेव हो जाती है, क्योंकि वो उसमें जो है दो स्टेप वेरिफिकेशन, जब तक दो स्टेप्स वो एक्टिव नहीं होंगे आपकी आईडी कोई लॉगिन नहीं कर सकता, चाहे उसके पास पासवर्ड ही क्यों ना हो। तो आपने करना क्या है, मोबाइल में चले जाएं, आप सेटिंग्स पे चले जाएं। मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाने के बाद यहाँ गूगल पे चले जाएं और अपनी ईमेल आईडी पे मैनेज योर अकाउंट पे क्लिक करें। यहाँ पर आने के बाद आप चले जाएँ सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे जाने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, टू स्टेप वेरीफिकेशन, यहाँ पर ऑन करें इसको, ये ऑफ है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन हम चले गए तो यहाँ पर कह रहा है कि आप दो ऑप्शन ऑन कर दें, हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पासवर्ड डालेंगे आप, ठीक है, अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि आपके पास नोकिया 2.4 मोबाइल जो है वो कनेक्टेड है, कि आप इसके साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। इसमें ये होगा कि कोई भी लॉगिन करेगा तो आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा इसी मोबाइल पे 2.4 पर। तो अगर आप मोबाइल में येस करेंगे तो आईडी ऑन होगी, अगर नो करेंगे तो किसी के पास पासवर्ड होगा, फिर भी आपकी आईडी जो है एक्टिव नहीं कर सकता, तो हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आप मोबाइल नंबर अपना यूज़ करें। इस पर क्या होगा, अगर मोबाइल नंबर यूज़ करेंगे तो आपके पास एक कोड भी आएगा, जब तक वो कोड नहीं डालेंगे आपकी आईडी जो है कोई लॉग ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है और कोई भी आईडी आपकी हैक नहीं कर सकता, कोई नहीं लॉग इन कर सकता चाहे उसके पास पासवर्ड क्यों ना हो। तो आप इसमें नंबर डालेंगे, सेंड करेंगे, ओटीपी आ जाएगा आपके पास, तो जैसे ओटीपी आएगा उसमें नंबर डालें अपना और वो एक्टिव हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, यूज़ योर फ़ोन टू साइन इन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको एक नए ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि वहाँ पर मोबाइल का ऑप्शन आ रहा था, हम वेट कर लें। ये कैसे वर्क करेगा आप देखेंगे, नीचे एक तस्वीर आ रही है, आप अपने ईमेल डालेंगे तो मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा। जब तक आप पैटर्न या अपने फिंगरप्रिंट लॉक नहीं लगाएंगे, वहाँ मोबाइल से येस नहीं करेंगे, तब तक आपकी आईडी जो है वो लॉगिन नहीं कर सकता कोई भी हो। नेक्स्ट कर लेते हैं, इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है, हम अपना पासवर्ड डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आपके पास नोकिया 2.4 मोबाइल है, मैं बोलूँगा जी बिल्कुल यही है, स्क्रीन लॉक नेक्स्ट करते हैं। इसको कह रहे हैं यही ईमेल आपकी, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। देखिए ऊपर मेरे पास एक ऑप्शन आ गया है, ट्राइंग टू साइन इन, बिल्कुल मैं लॉग इन करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको यहाँ स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। ये पूछ रहा है किसी ने आपकी आईडी जो है लॉगिन की है, क्या आप इसको कंफर्म करते हैं, जी मैं कंफर्म करूंगा, तो ये आईडी जो है वो लॉगिन हो जाएगी। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, तो मैंने जैसे लॉगिन किया यहाँ पर, तो ऑप्शन आ रहा है कि आप साइन इन करना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल येस करें इसको। जैसे मैं येस करूँगा तो मेरी आईडी जो है वहाँ पर लॉगिन हो जाएगी, तो मैं इसको अब टर्न ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर आपकी आईडी जो है वो टू स्टेप वेरिफिकेशन में ऑन हो गई है, तो अब ये होगा कि आपकी आईडी जो है बिल्कुल 90% सेव हो गई है। 10% का लैप्स इसलिए है कि हम अपने आईडीज कहीं ऑन करते हैं, वहाँ आईडीज लॉग आउट करना भूल जाते हैं, या किसी में पासवर्ड्स वगैरह ब्राउज़र वगैरह में सेव करते हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी कुकीज़ में एक्सेस करके आपका पासवर्ड उठा लेता है या आपके डेटा जो है उठाकर वो लॉगिन कर देता है। उससे ये होता है कि आप आईडी में फ़ौरन ही वो एक्सेस करके आपके अल्टरनेटिव ईमेल और मोबाइल नंबर चेंज करके हैक कर देता है।